हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स अगेन। ना अभी जस्ट सुबह सुबह उठे, तैयार हो चुका हूँ, बट दो थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया है, मतलब अंधेरा ही ऑलमोस्ट। अभी रुको, मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं अभी जस्ट सनराइज़ हो रहा है। सो अभी ऑलमोस्ट अभी तैयार है, निकलेंगे, मीट करेंगे आपसे। अभी हम लोग डायरेक्ट खानापारा में मीट करेंगे, उसके पहले दो स्पॉट में हम लोग, मुझे दो और राइडर्स को मीट करना है। वहाँ से हम लोग डायरेक्ट खानापारा जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ पे हॉल्ट लेंगे, उसके बाद अपना जो डीएल रेट है वो शुरू करेंगे। थंबनेल लेके आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज कहाँ जा रहे हैं। अभी तक बाइक वाइक निकाला नहीं है, बाइक निकालेंगे, थोड़ा सा प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद निकल रहे डायरेक्टली आप लोगों से मिलते हैं राइड पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स अगेन, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। तब शुरुआती में मैं उतना खास पावर पैक इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया था, बिकॉज जस्ट सुबह सुबह उठा था मैं, बट अभी आई एम फुल्ली रेडी एंड वी आर आउट फॉर द राइड। अभी फिलहाल खानापारा के लिए हम सिटी से निकलेंगे एंड वहाँ से हाईवे ज्वाइन करेंगे। प्लान था कि हम पहले खानापारा में मीट करेंगे, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि खानापारा से मीट करेंगे देन जाएंगे, तो हमने सोचा कि चलो यहीं पर पहले मीट कर लेते हैं एंड देन हम लोग जाएंगे। सो अभी ऑलमोस्ट सभी लोग मीट कर चुके हैं एंड हम लोग जा रहे हैं। हमारे साथ दो राइडर्स जा रहे हैं, दोनों के साथ जो पहला राइडर है वो वैंकी, वो अपने स्प्लेंडर में जा रहे हैं एंड वो सोलो जा रहे हैं एंड जो पीछे हमारे और एक राइडर है वो अपने बिलियन को लेके जा रहे हैं एंड वो अपने डीओ पे है। तो दोनों ही बाइक उतने हाई सीसी के नहीं है, मतलब एक तो स्कूटी है तो उतने हाई सीसी की नहीं है, तो हम लोग काफ़ी हद तक बहुत रेस्ट हॉल्ट लेके जाना होगा जितना तक भी हम लोग जाएंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग विश करते हैं कि चलो जितना अच्छे से हो ये राइड सफल हो जाए, क्योंकि 120 किलोमीटर्स का राइड है, सो इट्स वेरी टफ फॉर अस। एंड मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे बड़ा राइड होगा ये, अभी तक का सबसे बड़ा राइड होगा। सो आई होप कि कुछ अच्छा सभी कुछ अच्छे से हो जाए एंड आप लोग भी ब्रेक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड आप लोगों को तो जगह तो हमने देखो पता ही चल गया होगा कि कौन सा जगह है। हम लोग जा रहे हैं ग्रैंड क्रेयॉन्स लुइट लाइट लूम मेघालय। हम लोग को वो जगह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा फोटोज़ में, और पता नहीं रियल एंड रियलिटी में आँखों से अपने नंगे आँखों से कैसा लगेगा देखने में, होपफुली अच्छा ही लगे। प्लान हुआ है कि सबसे आगे रहेगा हमारा डीओ जो चलाता है वो अब सबसे आगे रहेगा, मेरे मैं सबसे पीछे रहूँगा, बीच में वैंकी जो स्प्लेंडर चला रहा है वो खानापारा के बाद होगा। अभी सिटी में जितना कुछ है मैं लीड कर रहा हूँ, सिटी में सब लोग अपने एक दूसरे को चेस कर लेंगे, सो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप लोगों से फिर थोड़ा देर सिटी में आप लोग क्या ही देखेंगे, हर रोज का देखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग आपको मिलते हैं सीधे खाना में। हम लोग पहुँचे हैं खानापारा एंड हमारे एक राइडर अभी भी पीछे है, बहुत पीछे, जो स्कूटी में आ रहा था। यहाँ से जाए, यहाँ से लेफ्ट से अपना मेन जर्नी शुरू होगा जिसका हम वेट कर रहे हैं बेसब्री से। अभी से मेरा सांस फूल रहा है, आई डोंट नो क्यों, सुबह सुबह का वक्त है, ऑक्सीजन ले सकता हूँ इसलिए। एवे इसका सांस फूलता है, ओह माय गॉड। और कितना टाइम, आई डोंट नो, बट होपफुली जल्दी आ जाए। अभी दरअसल थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया हम लोगों के राइडर से, वो हम लोगों को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे चले गए, इसके वजह से हम लोगों को पता भी नहीं चला एंड अभी हम लोग जा रहे उनकी ओर। ओके, फाइनली वी आर जॉइनिंग द हाईवे एंड हियर वी ओके, थोड़ा सा गलत रास्ता पकड़ लिया था, सॉरी। हियर वी आर कमिंग शिलांग सून, बस 4 घंटों में। Oh,
वेलकम टू मेघालय उमलिंग फैसिलिटी। यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग रुकाना होगा ताकि चेक करवा पाए बाकी सारी चीज़ें जो हमारा वेरिफिकेशन है अपने वैक्सीनेशन का, वो यहाँ पर करवाना होगा। कि बहुत ठंडा, बहुत अजीब लगा। फटाफट से ठंडा गिर गया। हाँ हाँ वही, मतलब ये जस्ट चेक पोस्ट पार किया ना, अजीब से ठंडा पूरा। वही वही, वो तो हेलमेट का वाइजर खोल के चला रहा था। वाटर धुपते से काफी ठंडा लग। अभी यहाँ पे अपन को वो चेक करवाना होगा अपना जितना भी वैक्सीनेशन का डोज है, मतलब जनरली सेकंड डोज। मैंने कल ऐसे बेकार में प्रिंट करवा लिया था, दो आई डोंट नीड द सेकंड, मतलब जो अपना जेरोक्स है वो नहीं चाहिए होता है। खुल जा, अभी ऑल सेट है। जस्ट अगर 2 मिनट लेट करता तो ये वाला लाइन पूरा हम लोग को मिलता। जस्ट 2 मिनट का वार्ट था, हम लोग एग्जैक्ट टाइम में पहुंचे। एंड ठंड लग रहा है कि नहीं बे? हमें बारी है निकलने का, क्योंकि सेट हो चुका है, हम लोग को वो कूपन मिल चुका है निकलने का। बोलते बोलते कर रहे हैं क्या? अभी हम निकलने के लिए है तैयार। यस, क्या यो गो, जो शायद जुनून है, जाएंगे जरूर पहुंचेंगे। आज यहाँ पर तो कुछ चेक नहीं कर रहे, और कुछ चेक नहीं कर रहे तो सुमड़ी से निकल गए, सीधे से सुमड़ी से धीरे से निकल गए। खाना पीना हो चुका है, अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया था, पराठा खाया है सब लोगों ने एक एक। एंड अभी टाइम है निकलने का, वो लोग आके रुके हुए हैं, ये नोंगपो है अभी, तो नोंगपो से हम लोग निकलेंगे टूवर्ड्स बड़ा पानी, देन डायरेक्टली बड़ा पानी में जाके एक हॉल्ट लेंगे। अभी वापस से ठंडा लगेगा, चलाएगा ना।
क्या बात, कैमरा से शर्मा रहे लग रहा है क्या? अभी थोड़ा सा आराम लग रहा है, अभी का जो हवा है उतना ठंडा नहीं लग रहा है, उसमें थोड़ा बहुत गर्मी है, रोज धूप है तो आराम लग रहा है चला के। अभी ये बोरा पानी है, आते वक्त रुकेंगे जरूर अगर वक्त मिले तो यहाँ पर। क्या ही सुंदर दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, नीचे जा सकता है, नीचे जा सकता है। हाँ, कतई जहर वाला जो व्यू बोलते हैं ना वो है यहाँ पर। फाइनली पहुंच चुके बड़ा पानी व्यू पॉइंट पे। वो देखो बोट जा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा। क्लीन है ना बाल, सुपर सुपर से ऊपर कहला। आप लोगों से, आप लोगों अच्छी तरीके से वीडियो दिखाता हूँ मैं, दूसरे मतलब वो शॉट लूंगा, थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट का एंजॉय कीजिए यहाँ पर। माफ़ करना मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ कर देना, क्योंकि ये जगह जो मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर करूँगा बिकॉज मेरा जो माइक है उस वक्त काम नहीं कर रहा था। तो अभी अपडेट ये है कि हम लोग बोरा पानी से निकल चुके हैं। हम लोग का प्लान ये था कि बोरा पानी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रुकेंगे, सेल्फी लेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे, थोड़ा सिनेमेटिक शॉट लेंगे, निकल जाएंगे। बट वही करते करते आधा घंटा तो वहीं पर चला गया है। ये यूजुअल है, अगर राइड पर निकल रहे हैं तो कई जगह किसी स्पॉट पर रुकेंगे तो ज़्यादा टाइम लगना तो ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर आधा घंटा कम से कम हम लोग को लगा एंड अभी निकल चुके हैं यहाँ से। मैं इस वीडियो को मतलब जो पूरा वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका और एक पार्ट आने वाला है। मींस अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करूँगा एंड जो दूसरा पार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, उसको मैं बयां नहीं कर सकता आंखों से। इसलिए उसको देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को भी लाइक करना होगा। एंड बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक। तब तक के लिए गुड बाय।